गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। इससे पहले जो है अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने देखा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर कंसिस्ट होता है, इवन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स। इसके अलावा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म अपन ने पढ़ा था, डिसऑर्डर्स, वो सारी की सारी चीज़ें जो है अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देख ली थी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज नेम्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसके अंदर जो है अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले अपन देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, देन फर्दर विल सी व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। आई होप यू आर सीइंग ऑल द ऑर्गन्स दो आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर जो है अपन एक एक करके जो है सबके बारे में जानने वाले हैं, लाइक व्हाट इज बकल कैविटी, व्हाट इज फैरिंक्स, व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड, व्हाट इज इसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी की सारी चीजें जो है अपन एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो है अपन ने खाना खाया है, खाना खाने के बाद में जो है उसको एक प्रॉपर वे के अंदर डाइजेस्ट कर लिया है, डाइजेस्ट करने के बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, एंड दैट एब्जॉर्ब फूड इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। खाना खाने के बाद में उसको एक एग्जैक्ट वे के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद में दैट डाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी, दैट होल फिनोमिना इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर के अंदर जो है अपन न्यूट्रिशन की जो है स्टेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देयर आर फाइव स्टेप्स, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा इंजेशन। इट मींस इनटेकिंग ऑफ फूड, बॉडी के अंदर जो है फूड को अंदर लेना बाय द हेल्प ऑफ माउथ, दैट इज नोन एज इंजेशन। सेकंड अपन पढ़ने वाले हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है कि जैसे अपन ने मुंह के अंदर चपाती ली है, नाउ वी आर कंटिन्यूअसली मैस्टिकेटिंग दैट फूड, अपन जो है उस खाने को लगातार चबा रहे हैं, तो जो चबाने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स जो है स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। इसके बाद में थर्ड अपन पढ़ेंगे दैट इज एब्जॉर्प्शन, दैट विल स्टडी एब्जॉर्प्शन। कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे ही अपन ने जो है खाने को डाइजेस्ट कर लिया है, पहले इंजेक्ट कर लिया है, इंजेक्ट करने के बाद में डाइजेस्ट कर लिया है, डाइजेस्ट करने के बाद में दैट फूड इज कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड जो है धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रेवल कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है म्यूकोसा, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, थोड़ी देर बाद में पढ़ने वाले हैं कि म्यूकोसा होती क्या है। म्यूकोसा के अंदर जो है इनफोल्ड्स पाए जाते हैं, बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ था दैट इज एब्जॉर्ब्ड। तो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब होना दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, दैट विल आल्सो स्टडी इन डिटेल। इसके बाद में फोर्थ स्टेप आती है असिमिलेशन, असिमिलेशन के अंदर अपन देखेंगे कि जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ था, जो खाना एब्जॉर्ब हो गया था, दैट एब्जॉर्ब फूड इज डिसॉल्विंग इन द ब्लड और प्लाज्मा, प्लाज्मा और ब्लड के अंदर डिसॉल्व होने के बाद में दैट इज सर्कुलेटेड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, एंड दैट फूड इज रीचिंग टू द एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी। शरीर की जो है जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब तक जो है ये खाना पहुंच जाता है। Each cell is containing a very special cell organelle that is known as mitochondria. Mitochondria जो है उस digested food को energy के अंदर convert करने का काम करता है. And the currency of energy is ATP. ATP के अंदर convert करने का काम करता है. That process is known as assimilation. That we'll also discuss. जो है digested food अब energy के अंदर convert हो चुका है. That is known as assimilation. This is the fourth step of nutrition. ये न्यूट्रिशन की फोर्थ स्टेप है। इसके बाद में सबसे लास्ट वाली स्टेप के बारे में अपन देखने वाले हैं, दैट इज इजेशन। जो भी अपन ने खाना खाया है दैट इज नॉट कंपल्समेंट कि सारा का सारा खाना ही डाइजेस्ट हो रहा है, उसके अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स या फिर कुछ फूड मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, दीज फूड मटेरियल और फूड पार्टिकल्स आर रिलीज्ड बाय एनस, उनको जो है अपन एनस से रिलीज कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज इजेशन। That we'll also discuss later on. तो ये nutrition की कुछ पांच steps होती हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं।
बट इन स्टेप्स को पढ़ने से पहले अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या है, कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर ये कंसिस्ट हो रहा है, ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं, दैट विल ऑल दैट दीज ऑल थिंग्स वी गोना डिस्कस नाउ। तो सबसे पहले जो है अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइक वी आर ईटिंग चपाती, दैट इज कॉम्प्लेक्स। We are eating chapati, that is complex. Now this is converting into glucose. This is converting into glucose, that is simpler form. That is simple. तो complex food material का simple food material के अंदर convert होना, that process is known as digestion. But ऐसा system जिसके अंदर digestion की process हो रही है, ऐसा system जिसके अंदर digestion की process हो रही है, that system is known as digestive system. ऐसी process जिसके अंदर complex food material simple food material के अंदर convert हो रहे हैं, process is digestion. But the system in which digestion is taking place, that system is known as digestive system. So that is the definition of digestive system. Now we'll talk about the organs. Basically जो है digestive system को दो part के अंदर divide कर रखा है। मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है। नंबर वन इज एलिमेंट्री कैनाल, एंड नंबर सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नंबर सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक लंबा ट्रैक जो है गुजर रहा है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज रनिंग, दैट लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। जो भी मैंने अभी ड्रॉ की है, दैट होल स्ट्रक्चर इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। बट एलिमेंट्री कैनाल इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, ये कुछ स्पेशल ऑर्गन से मिलकर बनी हुई होती है, एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ईसोफेगस टू एंड फ्रॉम एनस। इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो तो ईसोफेगस होता है, और पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा होता है, एनस। बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज माउथ। व्हाई? बिकॉज़ वी आर इनटेकिंग फूड बाय द हेल्प ऑफ माउथ। तो ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स अपन को दिख रहे हैं, लाइक ईसोफेगस, स्टमक, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दी एंड एनस, दीज ऑल ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल को छोड़कर रिमेनिंग जो भी ग्लैंड्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाई जा रही हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज एंड लीवर, दीज आर मेकिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वी कैन से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, दैट लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। रिमेनिंग एलिमेंट्री कैनाल, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड लीवर, दीज ऑल आर कलेक्टिवली नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो सबसे पहले जो है अपन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है ऑलमोस्ट 4.5 मीटर लॉन्ग होती है इन लिविंग बींग। एलिमेंट्री कैनाल जो है 4.5 मीटर लॉन्ग होती है, बट जैसे ही आदमी की डेथ हो जाती है या ह्यूमन बींग जो है मर जाता है, मरने के बाद में जो है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू 6 to 7 मीटर। बट व्हाई दिस इज टेकिंग प्लेस, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हेन वी आर लिविंग द लेंथ इज 4.5 मीटर, बट as we are going to die the length is automatically increasing. Why this is happening? Why? Because this tract is consist of muscles. ye jo tract hai alimentary canal jo hai ye muscles ki bani hui hoti hai, aur jaise hi death ho jati hai uske baad mein muscles jo hai kaam karna band kar deti hain, they are completely relaxed. jaise hi muscles relax ho jati hain, relax hone ke baad mein iski length automatically kya ho jati hai, increase ho jati hai. okay,
अब इसके अलावा जो है अपन ऑर्गन्स के बारे में देख लेते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की एंटीरियर ओपनिंग होती है उस एंटीरियर ओपनिंग को जो है अपन बोलते हैं माउथ। माउथ के अंदर जस्ट अंदर ही जो है कैविटी पाई जाती है, दैट कैविटी इज नोन एज बकल कैविटी। अब देखते हैं बकल कैविटी किस तरीके से फॉर्म होती है। आगे की तरफ जो है माउथ पाया जा रहा है, ऊपर की तरफ जो है पैलेट रीजन पाया जा रहा है, पीछे की तरफ जो है फेरेंजियल रीजन पाया जा रहा है, और नीचे की तरफ जो है मस्कुलर ऑर्गन टंग पाया जा रहा है। मतलब कि चारों तरफ से एक एरिया सराउंड होता है, एक ग्रो लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस ग्रो लाइक स्ट्रक्चर को ही अपन क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। जस्ट बकल कैविटी के ऊपर जो है पैलेट रीजन पाया जा रहा है। ये पैलेट रीजन जो है आगे से इसका एंटीरियर जो पोर्शन होता है, दैट एंटीरियर पोर्शन इज बोनी एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ बोन्स, वन इज मैक्सिला एंड सेकंड इज पैलेटाइन बोन। और पीछे वाला जो रीजन होता है दैट बैकवर्ड एरिया, ये पीछे वाला जो एरिया है दिस इज कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज इन द सेंस वी कैन से सॉफ्ट बोन्स। पीछे वाला जो एरिया है वो कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज से जो एरिया बना होता है वहां पे एक छोटा सा फोल्ड भी पाया जाता है, दैट फोल्ड इज नोन एज यूवुला। उस फोल्ड को अपन बोलते हैं यूवुला। उसके बाद में जो है जस्ट पैलेट रीजन की अपोजिट जो है मस्कुलर ऑर्गन टंग पाया जाता है, और आगे जाके जो बकल कैविटी जो है फेरेंजियल रीजन के अंदर ओपन होती है। फेरेंजियल रीजन के अपन देखने वाले हैं फेरिंग्स होता क्या है। फेरिंग्स एक टाइप का जो है जंक्शन होता है, जिस तरीके से रोड के ऊपर अपन ने देखा है ट्राइपोड्स, तीन रोड्स आपस में मिल रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, सेम उसी वे के अंदर फेरिंग्स के ऊपर भी जो है मल्टीपल प्लेसेस आकर जो है क्रॉस हो रहे हैं। इसीलिए जो है फेरिंग्स को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि नेजल चैम्बर से मिल रहा है या फिर नेरिस से मिल रहा है उसको अपन बोलते हैं नेसोफेरिंक्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, नेसोफेरिंक्स। और फेरिंक्स का ऐसा रीजन जो कि ओरल ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी से मिल रहा है उसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। उसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। और फेरिंक्स का ऐसा रीजन जो कि लैरिंग से मिल रहा है, वी कैन से ग्लोटिस के पास वाला जो एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। उसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। बट आगे जाकर जो है फेरिंक्स जो है ईसोफेगस के अंदर जो है ईसोफेगस वाला जो एरिया है वो फेरिंक्स के अंदर ओपन होता है। तो ईसोफेगस की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को अपन बोलते हैं ग्लोटिस। बट जस्ट ईसोफेगस के आगे जो है ट्रेकिया पाया जाता है, और ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको अपन जो ईसोफेगस की जो ओपनिंग है उसको तो अपन बोलते हैं गुलेट, और जो ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको अपन बोलते हैं ग्लोटिस। तो ईसोफेगस जो है 22 to 25 centimeter long एक ट्रैक होता है, which is also consist of muscles। उसके बाद में esophagus जो है आगे जाकर stomach के अंदर खुलता है। stomach के अंदर जो है एक sphincter से खुलता है, उस sphincter को अपन बोलते हैं cardiac sphincter। उस sphincter को बोलते हैं अपन cardiac sphincter। आगे जाकर जो है stomach is further divided into three parts। फर्स्ट इज फंडस, सेकंड इज कार्डियक, एंड थर्ड इज पाइलोरिक और पाइलोरिस। जो पाइलोरिस रीजन जो है वो आगे चलकर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कौन से रीजन के अंदर ओपन हो रहा है, ड्यूडोनम के अंदर। यहाँ पे भी एक स्पिंचर पाया जा रहा है। स्पिंचर पर बोल सकते हैं मस्कुलर रिंग्स होती है जो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है। एक तरीके से जो है ये बैक फ्लो से प्रिवेंट करती है कि कोई भी फूड मटेरियल लाइक स्टोमक के अंदर आ गया है वो वापस ईसोफेगस के अंदर नहीं जाए। दिस फूड मटेरियल इज प्रिवेंटेड By which? By sphincter। Same उसी तरीके से जो है इस small intestine के अंदर भी एक sphincter पाया जा रहा है, जहाँ पे small intestine और stomach मिल रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं pyloric sphincter। उसको अपन बोलते हैं pyloric sphincter। जैसे ही जो है अभी small intestine जो है आगे जाकर form हो रही है, small intestine जो है आगे जाकर तीन regions में divide हो रही है। First को अपन बोलते हैं duodenum, सेकंड को बोलते हैं जीजुनम, एंड थर्ड को बोलते हैं इलियम। जो ड्यूडोनम है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जबकि जीजुनम और इलियम जो है कोइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सराउंडेड होती हैं। और जैसे ही ये जहाँ पे जे शेप्ड ड्यूडोनम पाया जा रहा है वहां पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलती है, उस ट्यूब को अपन बोलते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। जहाँ पे
ड्यूडोनम से जो है पैंक्रियाज मिल रहा है, उस डक्ट को अपन बोलते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे जो है पैंक्रियाज और लीवर मिल रहे हैं। आगे जाकर जो है ड्यूडोनम जेजुनम से मिल जाता है, जेजुनम जो है फिर फर्दर चल के इलियम से मिल जाती है, इलियम जो है आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐड हो जाती है। नाउ दिस इज एडेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन जो है फिर फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नंबर वन इज कैकम, सेकंड इज कोलोन, एंड थर्ड इज रेक्टम। रेक्टम जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वेस्टेज जो है स्टोर होता है, और सबसे लास्ट में जो है अगेन एक स्पिंचर पाया जाता है, उस स्पिंचर को अपन बोलते हैं एनस। एनस के थ्रू जो है वेस्टेज बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही जो है अपन आगे पढ़ने वाले हैं, आगे जाकर जो है अपन वन बाय वन एक ही को पढ़ने वाले हैं, लाइक बकल कैविटी होती क्या है, कौन से रीजन को अपन बकल कैविटी बोलते हैं और किस तरीके से बकल कैविटी फॉर्म होती है, इसके अलावा फेरिंग्स क्या होती है, फेरिंग्स कौन कौन से टाइप की होती है, फेरिंग्स की फंक्शंस क्या होते हैं, इसके अलावा जो है अपन देखने वाले हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस की स्ट्रक्चर, इवन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस, व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, हाउ ईसोफेगस इज कनेक्टेड टू द स्टमक, ये सारी की सारी चीज है फर्दर वन बाय वन अपन एक लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, थैंक्स।